Good morning students, in today's class we will discuss operations on sets. Bachcho, in earlier classes we have learned how to perform operation of addition, subtraction, multiplication, division on numbers. When we are performing any operation on number, then we get another number. For example, बच्चों जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ए पेयर ऑफ नंबर्स पे, फॉर एग्जांपल वी आर परफॉर्मिंग एडिशन 3 + 5, वी हैव अ पेयर ऑफ नंबर्स मींस 3 and 5 आर टू नंबर्स, देन आफ्टर एडिशन वी गेट अनदर नंबर विच इज 8, ठीक है. सिमिलरली इफ वी आर परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन then we will get another number which is 15. So in the same way beta, we have different operations on sets. जैसे आप numbers पे operation perform कर सकते हो, number पे क्या क्या operation possible है आपके, addition हो सकता है, subtraction हो सकता है, multiplication, division. In the same way if we are having two sets, then there are some possible operations on these sets and the result of these set is a set. जब भी आप ऑपरेशंस पे, जब भी आप कोई भी ऑपरेशन लेते हो सेट के, तो सेट के लिए भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सेट मिलता है. कौन कौन से ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो सकते हैं सेट पे? हम दो सेट को यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट. दीज आर द पॉसिबल ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन अ सेट. ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन. फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन. जैसे बच्चों हमारे पास नंबर्स के लिए, नंबर्स पे अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास अ पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए, मीन्स दो नंबर होंगे तभी आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. ऑन द सेम वे इफ वी आर टेकिंग यूनियन ऑफ एनी सेट, अगर आपको सेट का यूनियन लेना है तो हमारे पास दो सेट होने चाहिए. इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी. आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए यूनियन बी मींस यूनियन में आप सारे एलिमेंट्स लेके चलोगे. यूनियन मींस ऑल. फॉर एग्जांपल ए है आपका 1, 2, 3, 4 एंड अनदर सेट इज 4, 5, 6, 7. तो बच्चों व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी मींस ऑल द एलिमेंट्स इन ए. यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लेने आपको, ए के भी बी के भी. अगर दोनों में कुछ कॉमन आता है तो उनको हम एक बार ही कंसीडर करेंगे. तो ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4. बी के एलिमेंट्स क्या है? 4, 5, 6, 7. 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसको एक बार ही लिखेंगे, 5, 6, 7. तो दिस इज द यूनियन ऑपरेशन. ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और ऑल द एलिमेंट्स इन बी. कॉमन एलिमेंट्स को आप एक बार कंसिडर करोगे. मैथमेटिकली आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन बी इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी. ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ कंसीडर ओनली वंस. इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो उनको पिक कर लो, बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हो उनको पिक कर लो और दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हो उनको एक बार ही लिखोगे. मैथमेटिकली इसको डिफाइन करें तो ये कैसे डिफाइन होता है बच्चों?
x is such that x belongs to A or x belongs to B. Means x is either in A or in B. या तो वो A में होगा या फिर B में होगा. यहां देखो बेटा 1, 2, 3, 4 ये 4 जो एलिमेंट है A और B दोनों में है, तो उसको हमने कितनी बार लिखा है? सिर्फ एक बार लिखा है. तो यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स इन A एंड B. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अब इसको. इफ वी हैव अ सेट A 2, 6, 8, B एंड अनदर सेट इज B 3, 4, व्हाट विल बी A यूनियन B? दिस इज 2, 6, 8, B, 3, 4. आपने A के एलिमेंट्स लिए, B के एलिमेंट्स लिए, दोनों को कंबाइन कर दिए तो आपको क्या मिलेगा? यूनियन मिलेगा. तो बच्चों जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो ऑपरेशन को आप वेन डायग्राम के थ्रू इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो. वेन डायग्राम होता है क्या? कमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वेन डायग्राम इज सिंपली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. किसी भी सेट को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम कहलाता है. तो A यूनियन B का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? व्हाट इज द वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B? इन वेन डायग्राम जो आपका ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल को, यूनिवर्सल सेट. और ये क्या है? आपका एक A सेट है, ये आपका है B सेट. देखो A और B, A B में कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी है हमने ले लिए. A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंसिडरिंग कॉमन पार्ट ओनली वंस, तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा? दिस इज A यूनियन B. दिस इज A यूनियन B. तो बच्चों A यूनियन B क्लियर हुआ? A यूनियन B क्या? कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, एंड जो एलिमेंट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार कंसिडर करो. मीन्स कॉमन एलिमेंट को आप एक बार लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, आप इसको दो बार नहीं लिखोगे, क्योंकि सेट के अंदर क्या होता है, आपका एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, आप उनको एक बार लिखते हो. क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों सेट यूनियन की. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, क्या प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की? ये आपका वेन डायग्राम हो गया A यूनियन B के लिए. नेक्स्ट आप A यूनियन B को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल U. इट इज डिनोटेड बाय X इज सच दैट X belongs to A. और सिंबल यूनियन का क्या है? आपका और. जब आप वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करोगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करोगे, तो वहां और का मतलब क्या होगा? आपका यूनियन होगा. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट ऑपरेशन है आपका यूनियन. व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज? फर्स्ट वन, फर्स्ट इज A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. ये क्या है? आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A. सेकेंड वन इज A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स इफ यू आर टेकिंग यूनियन ऑफ A और B फर्स्ट, देन रिजल्ट इज विद यूनियन C आपका सेम रहेगा. अगर आप A और B का यूनियन पहले ले रहे हो और यहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसका यूनियन किसके साथ लोगे? C के साथ. या फिर आप B और C का यूनियन पहले ले लो, उसके रिजल्ट को किसके साथ यूनियन करो? A के साथ. इन दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा. इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. थर्ड इज, अब बच्चों देखो, अगर A आपके पास कोई सेट है उसका आप यूनियन ले रहे हो, ठीक है, इसका आप यूनियन ले रहे हो, और यूनियन लेने के बाद वापस वही आपको सेट मिल जाता है, तो ऐसा कौन सा सेट है जिसके साथ आप यूनियन लेने के बाद आपको सेम सेट मिल जाए? दिस इज एम्प्टी सेट. A यूनियन 5 इज इक्वल टू A. दिस इज आइडेंटिटी लॉ.
दिस लॉ इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ. क्लियर. नेक्स्ट इज अगर आप ए का ए के साथ ही यूनियन लोगे तो वापस आपको ए ही मिलेगा. इसे हम बोलते हैं आइडेंपोटेंट लॉ. आइडेंपोटेंट लॉ. क्लियर है बच्चों इतना. किसी भी सेट का अगर आप खुद के साथ ही यूनियन लोगे तो आपको वापस से वही सेट मिल जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे आइडेंपोटेंट लॉ. ये है आपका आइडेंटिटी लॉ. नेक्स्ट इज एक सेट है आपका यूनिवर्सल सेट यूनियन ए. अब बच्चों ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट और ए का जो आप यूनियन लोगे यूनियन का मतलब क्या होता है. ऑल द एलिमेंट्स इन यू आप सारे एलिमेंट्स यू के ले लोगे और ए के ले लोगे कंबाइन कर दोगे जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखोगे. अब बड़ा सेट ये है छोटा सेट ये. तो जब भी आप यूनियन लोगे तो यूनियन का मतलब आपको सारा सेट मिलेगा. तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा यूनियन. दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ. दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. अब बच्चों ये वाला एग्जांपल देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए. अगर आपके पास यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ए है 2, 3. अब बेटा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसका यूनियन लो. यूनियन क्या मिलेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6. यूनियन ए यूनिवर्सल और ए का यूनियन लोगे तो आपको यूनिवर्सल ही मिलेगा. क्लियर. अब यहां देखो ये है आपका ठीक है. ये आपका यूनिवर्सल है ये आपका ए है. यूनिवर्सल और ए में आपको कॉमन यूनिवर्सल और ए का अगर आप यूनियन लोगे यूनियन मतलब सारा कुछ तो आपको क्या मिल जाएगा ये पूरा पार्ट मिलेगा. दिस इज अगेन यूनिवर्सल. तो जब भी आप यूनिवर्सल का यूनियन लोगे ए के साथ तो आपको वापस क्या मिलेगा यूनिवर्सल ही मिलेगा. बट नेक्स्ट जब हम इंटरसेक्शन करेंगे उस केस में हमारा क्या आता है छोटा वाला सेट आएगा. विच वन इज बिगर. यूनियन के केस में जो आपका बड़ा सेट फॉर्म होगा बिगर सेट होगा वही आपका रिजल्ट होगा. क्लियर. वोटेशन इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. दो सेट आपके पास है इन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो किसके अंदर आएंगे आपके इंटरसेक्शन. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है व्हाट डज इट मींस. एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं पहले. एग्जाम्पल If we are having a set A in which there are elements 1, 2, 3, 4, 5 and B is another set having elements 2, 3, 4. Clear? Now we have to find A intersection B. Intersection A intersection B means common. इसका मतलब क्या होगा? Common elements. आपके जितने भी elements common होंगे, वो आपके A intersection B में होंगे. अब 1 is common? No. 2 is common in both the set. 2 is here, 2 is also. 3, 3, 4, 4. Now intersection is 2, 3, 4. Intersection is 2, 3, 4. Venn diagram ke through kaise represent karenge? This is universal set, A set and B set. This is A, B. A aur B mein common part kya hai? This is common. तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी. दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर. देयर आर सम प्रॉपर्टीज. तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है बच्चों. ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो आपके ए और बी में कॉमन होंगे. तो इसीलिए हम यहां यूज करेंगे एंड. इफ In any statement you have and, then it means we have to perform intersection. और कहीं अगर ये क्या लिखा हुआ है और तो वहां पर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूनियन. तो प्रॉपर्टीज क्या है. प्रॉपर्टीज ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन एलिमेंट. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉमन एलिमेंट्स. There are some properties
रिलेटेड टू इंटरसेक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये क्या है? एसोसिएटिव. दिस इज एसोसिएटिव. बच्चे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जब भी आपके पास ब्रैकेट होगा तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन पहले निकालोगे. इसके रिजल्ट को किसके साथ इंटरसेक्ट करोगे? सी के साथ. इन दिस बी और सी का इंटरसेक्शन पहले निकलेगा, फिर इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? ए के साथ. नेक्स्ट इज थर्ड. थर्ड में क्या है? अब देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव, एक सेट ए है जो आपका नॉन एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, फाइव आपका एम्प्टी सेट है. तो एक सेट के अंदर एलिमेंट है, एक सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन हमें मिलेगा फाइव. कॉमन हमें क्या मिलेगा? फाइव. बट यूनियन के केस में क्या था? ए यूनियन फाइव. ए सेट और फाइव के कंबाइन एलिमेंट्स आपको क्या देंगे? ए सेट देंगे. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी. क्लियर? ऑन द सेम वे इफ वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन. ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनियन. अब बच्चों यहां देखो, ये है आपका यूनियन, ये है आपका ए सेट. अब यूनियन और ए में कॉमन क्या मिलेगा आपको? यूनियन और ए में अगर यू की अगर हम बात करें, यू है आपका वन टू थ्री फोर, और ए की बात करें टू थ्री, तो कॉमन क्या मिला हमें? टू थ्री. मीन्स यूनियन के केस में बिगर सेट आएगा और इंटरसेक्शन के केस में आपका क्या आएगा? स्मॉलर सेट. तो ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या फॉर्म करेगा? दिस फॉर्म्स ए. ये है आपका लॉ ऑफ यूनियन. क्लियर? इतना क्लियर है ना बच्चों? इंटरसेक्शन के केस में आपका ये आएगा, अगर आपका एम्प्टी सेट है तो फाइव और यूनियन है तो आपका इस. नेक्स्ट फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन ए, ए और ए में कॉमन क्या रहेगा बच्चों? ए ही कॉमन रहेगा. दिस इज आइडेम्पोटेट, आइडेम्पोटेट लॉ. लास्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दिस इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. This is known as distributive law. Here, intersection is distributive over union. So these are the some basic properties of intersection. तो बच्चों अगर union और intersection में comparison करोगे तो union का मतलब क्या है? एक A set है, B set है, सारे elements को मिला दो, आपको एक union मिलेगा. ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या है? एक ए सेट है, बी सेट है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को ले लो तो वो क्या फॉर्म करेगा आपका? इंटरसेक्शन फॉर्म करेगा. बस दोनों में ये चीजें ही आपको याद रखनी है. यूनियन के केस में आपके लिए जो वर्ड यूज होता है आप लोगों को वो याद रखना है, और इंटरसेक्शन में जो वर्ड यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा? एंड. ये और एंड बेटा आगे हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे बाय यूजिंग व्हेन डायग्राम, वहां यूज होंगे. क्लियर? क्वेश्चंस, क्वेश्चन फर्स्ट से आपको ए गिवन है, ए सेट है आपका ए बी, और बी में आपके एलिमेंट्स है ए बी सी. आपने चेक करना है इस ए इज द सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी. बच्चों देखो ए क्या है आपका? ए के अंदर ए बी है, बी के अंदर ए बी सी. अब चेक करो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? यस, ए इज अ यस, ए इज सबसेट ऑफ बी. Every element of A is in B. Yes, ठीक है. तो
तो अगर ये ए बी का सबसेट है तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी गिव्स अ बिगर सेट, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो ए यूनियन बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या है मेरा सुपर सेट, तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। क्लियर हुआ या नहीं बच्चों? देखो जब भी आप यूनियन निकालोगे, यूनियन में जो रिजल्ट मिलता है एक बड़ा सेट बन के आता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें आपने एक सेट लिया उसके एलिमेंट्स डाले, दूसरा सेट लिया उसके एलिमेंट्स डाले, उनको कंबाइन कर दिया। तो ऐसे ही अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए मेरा है स्मॉलर, ये आपका कोई सेट बी है, ये आपका ए सेट है, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सेट मिल जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया मेरा, बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है, इसमें आपको एलिमेंट्स गिवन है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी मिला विच इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट्स ना गिवन होते तो आप सीधा ऐसे करते ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो ए है आपका ए बी, बी है आपका ए बी सी, तो देख लो बच्चों क्या मिलेगा आपको, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज ए बी सी। क्लियर? दीज आर सिमिलर क्वेश्चंस बेटा, ये और ये आपके सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस फर्स्ट में भी उसने ये कहा है कि ए बी का सबसेट है, तो फाइंड करो ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें आपको ए और बी के एलिमेंट्स दे दिए। तो अगर आपके पास एलिमेंट्स ना भी होते तो आप इसको आराम से चेक कर लेते क्या होगा इसका रिजल्ट। अब इस केस में क्या है, ए और बी आपके दो एलिमेंट्स है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको इस केस में क्या गिवन है, गिवन है ए इज द सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी ले सकते हो ए बी, ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, देखो ए प्रेजेंट है बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे ए सबसेट बी है आपका, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, तो इस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल आपका बी, ठीक है। ये और ये आपके सेम है, इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझना है, इसमें आपको अपना खुद से एग्जांपल लेकर समझना है। अब बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दू, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यूनियन के केस में आपका जो सेट फॉर्म होगा, रिजल्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक बिगर सेट होता है। जैसे आप नंबर नंबर्स के ऊपर एडिशन परफॉर्म करते हो, 3 + 5 को किया तो 8 मिला, 8 आपका एक नंबर। सिमिलरली जब भी आप ऑपरेशन लोगे सेट के अंदर, वो भी कौन सा, यूनियन, तो आपको जो रिजल्ट में एक सेट मिलेगा वो बिगर वन मिलेगा, मतलब बड़ा सेट मिलेगा। तो बी इंटरसेक्शन ए में, बी सबसेट ए में ये क्या है, बी सुपर सेट है आपका और ए क्या है, सबसेट है। तो इस केस में ए यूनियन बी क्या मिलेगा बच्चों, बी इज सॉरी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका सबसेट है, ये क्या है आपका सुपर सेट है, ये क्या है आपका सुपर सेट। तो उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए। तो यूनियन हमेशा कौन सा सेट देगा आपको, बड़ा वाला सेट, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है इस फॉर्म में, आपको ए यूनियन बी भी फाइंड करना और ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 और 6 से छोटी होनी चाहिए, तो ये कितना हो गया 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट केस में बी क्या है आपका, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, तो ये क्या होगा 7, 8, 9, क्लियर। तो इस केस में ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए के एलिमेंट्स लिखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
क्लियर. ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी और बोथ. ठीक है. नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा. ए इंटरसेक्शन बी, ए के अंदर क्या है 2, 3, 4, 5, 6, बी के अंदर क्या है 7, 8, 9. क्या इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 5. क्लियर बच्चों को आपको समझ आया यूनियन क्या है और डिफ्रेंसिएशन, यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है. क्लियर. नेक्स्ट इज सेट डिफरेंस. नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है बच्चों, दिस इज सेट डिफरेंस. जैसे आपका नंबर्स के केस में क्या था, सब्ट्रैक्शन होता था, डिफरेंस होता था, 5 माइनस 4 करो या 4 माइनस 5, ऐसे ही आप सेट को भी क्या कर सकते हो, एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर सकते हो. तो सेट डिफरेंस क्या है, देयर आर टू पॉसिबल वेज टू टेक अ डिफरेंस ऑफ एनी सेट. फर्स्ट इज ए माइनस बी. देखो बच्चों, ए माइनस बी क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी. ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो है बट कहां नहीं है आपके, बी में नहीं है, वो क्या कहलाएगा, ए माइनस बी. इफ वी आर टेकिंग बी माइनस ए मीन्स एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. बेटा इसको ध्यान से देखना क्योंकि आप लोग क्या करते हो इन दोनों ऑपरेशन में मिस्टेक करते हो कि a माइनस बी, बी माइनस ए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते चलो. a माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो a में तो है बट b में नहीं है वो कहलाएंगे आपके a माइनस बी. b माइनस ए का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो है बट a में नहीं है वो कहलाएंगे b माइनस ए. अब दोनों के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम से और इजीली क्लियर होगा. ये आपका एक सेट है ए, ये सेट है बी. ठीक है, ये है आपका ए सेट, ये है बी सेट. नाउ दिस इज यूनिवर्सल सेट. ऐसे एलिमेंट्स जो आपके ए में तो हैं बट कहां नहीं है, बी में नहीं है. ये देखो ए, अब यहां पे जो आपका ये कॉमन वाला पार्ट है ये आपको इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी है जो आपके बी में इंक्लूडेड है. तो ये नहीं लोगे, ये शेडेड रीजन आपका क्या कहलाएगा, a माइनस बी. ये क्या है आपका, a माइनस बी. क्लियर. अब नेक्स्ट है आपका b माइनस ए. b माइनस ए के केस में क्या है बच्चों, ये एक सेट है, ये एक सेट है, a b यूनियन. ऐसे एलिमेंट्स जो b में तो है, ऐसा सेट, ऐसे एलिमेंट जो b सेट के अंदर है बट a सेट के अंदर नहीं है. तो b के अंदर है जो, ये आपका पोर्शन, दिस पोर्शन ओनली गिव्स बी माइनस ए. अगर आपने इंक्लूड वाला पार्ट भी कर लिया तो बेटा वो तो पूरा बी सेट हो जाएगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, बी सेट. तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि बी में से मैंने कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया है. बी में से मैंने क्या किया है, कॉमन पार्ट को माइनस कर दिया है. देखो यहां पर अगर हम चेक करें इस केस में तो बी सेट के एलिमेंट्स में से मैंने क्या कर दिया है, कॉमन पार्ट को निकाल दिया. क्लियर. ऐसे यहां पे a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो a माइनस बी में से क्या करना है, सेट a में से कॉमन पार्ट को निकाल दो. सेट a में से हमने क्या करना है, a माइनस बी के केस में क्या है, जो मेरा a सेट है उसमें से कॉमन पार्ट को निकाल दो. ये सेट डिफरेंस हो गया. एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. a है मेरे पास A B C E D F I. क्लियर. नेक्स्ट है B, B इज A E I O U. ये है. अब हमने निकालना है फर्स्ट A माइनस B. A माइनस B का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B. A के एलिमेंट्स क्या है, A. B में है नहीं ले सकते. B ठीक है, सी ठीक है, ई इधर भी है इधर भी. तो ए में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो आपके बी के अंदर हो, या फिर ए में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो. देखो ए माइनस बी के केस में हमने क्या किया, ए में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो तो वो आपका ओनली ए. ए माइनस बी को हम बोलेंगे
a minus b means which implies only a, b minus a implies only b. ठीक है, कि नेक्स्ट जब हम वेन डायग्राम करेंगे उसमें आपका यूज होगा बेटा. तो देखो ये पूरा जो रीजन है ये आपका ए है, बट इसमें से कॉमन निकाल दो सिर्फ ओनली ए बचेगा. ओनली का मतलब जो सिर्फ ए में कोई कॉमन नहीं है, ओनली बी का मतलब जो सिर्फ बी में है कोई कॉमन पार्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो अब यहां देखो जो भी कॉमन है ए और बी के वो निकाल दो ए में से. तो बी सी डी एफ, बी सी डी एफ इसमें नहीं है बट आई है तो इसको रिमूव कर दो. तो हमारे पास a माइनस बी क्या बचा, a माइनस बी इज a, a तो निकल गया है, b c d f. तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं कि b c d f ना लिख के वो जो बच गया वो एलिमेंट्स लिख देते हैं. जैसे कि आपका क्या है a e, इसको कैंसिल करना ही भूल जाते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, और कई बार उल्टा करते हैं कि a में से कैंसिल ना करके वो कहां से कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, b से. तो बच्चों याद रखना जो पहला सेट होगा उसी में से आपको कैंसिल करना है. ठीक है, अब b माइनस ए अगर हम निकालें, b माइनस ए, अब हमें कैंसिल कहां करना है, b में से, b में से कॉमन निकाल दो. अब यहां देखो b में ये आपका b है ये आपका a है, इधर क्या होगा आपका a कॉमन है कैंसिल हो गया, नेक्स्ट e कॉमन है कैंसिल हो गया, i कॉमन है कैंसिल हो गया, i है कैंसिल हो गया, ओ है इसके अंदर नहीं है, यू है इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा, ठीक है ये क्या आ गया मेरा ओ यू. ठीक है, अब बेटा देखो जब भी आप ये जो है ए माइनस बी बी माइनस ए, आप ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन लोगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी का इंटर, देखो अब ध्यान से सुनना, ये है आपका a माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन अगर आपने लेना है b माइनस ए के साथ, ये है b, ये है b माइनस ए. अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, a माइनस बी के लिए ये वाला रीजन है, b माइनस ए के लिए ये वाला रीजन है. तो अगर हम a माइनस बी का इंटरसेक्शन करेंगे b माइनस ए के साथ तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 5. तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 5. मीन्स इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन टू सेट देन दिस इज नॉन एज डिसजॉइंट सेट. तो ये क्या है आपके डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों ही अलग अलग सेट है. क्लियर, तो अगर आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आप यहां से भी देख सकते हो, इंटरसेक्शन में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट आपका कॉमन नहीं होगा, मीन्स एलिमेंट्स आपको कॉमन नहीं मिलेंगे. इतना क्लियर है बच्चों. अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल अगर ले, एग्जांपल की बात करें, ए है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 5 6 7. ठीक है, इस केस में आपने निकालना ए माइनस बी, इस केस में आपका ए माइनस बी क्या होगा, 1 2 3 4. मींस ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है बट बी में नहीं है, देखो बेटा ना तो 5 6 7 है इसके अंदर, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 ही मिल जाएगा. क्लियर, a माइनस बी और b माइनस ए में क्या डिफरेंस है, a माइनस बी ओनली a और b माइनस x इज इक्वल टू, बच्चों आपको एक सेट x गिवन है एक y सेट गिवन है और हमने ये फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं. तो फर्स्ट इज x माइनस वाई, x माइनस वाई इज सेट डिफरेंस, x माइनस वाई मीन्स ओनली x. तो x में से आप कॉमन पार्ट निकाल दो तो x माइनस वाई आ जाएगा. x आपके पास क्या है, x इज a b c d एंड y क्या है, y इज f b d g, f b d g आपको निकालना है फर्स्ट x माइनस वाई. तो x माइनस वाई कैसे निकालेंगे, ओनली x मीन्स x में से जो कॉमन पार्ट है वो निकाल दो. देखो F कॉमन है नहीं, B कॉमन है निकाल दिया, D कॉमन है तो हमारे पास क्या बचा, AC. तो X माइनस वाई इज AC. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमें परफॉर्म करना है Y माइनस X, सेकेंड पार्ट में परफॉर्म करना है Y माइनस X. तो Y को पहले ले लो, Y क्या है आपका F B D G, X क्या है A B C D.
बेटा जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना हो ना, पहले उसको लिख लिया करो। अगर आप यहीं से कैंसिल करना शुरू कर दोगे तो आपकी मिस्टेक आनी शुरू हो जाएगी। तो y माइनस एक्स में पहले y को लिखो फिर x। तो y माइनस एक्स का मतलब ओनली y। तो y में से कॉमन पार्ट को निकाल दो। तो b कॉमन है, निकाल दिया। नेक्स्ट d कॉमन है, निकाल दिया। तो y माइनस एक्स क्या हुआ? y माइनस एक्स इज f कॉमा g। दिस इज सेकेंड पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट में हमने निकाला x और y का इंटरसेक्शन। x और y का इंटरसेक्शन, x क्या है? x इज a b c d एंड y इज f b d g। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा? दोनों में कॉमन है आपका b और d। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यूनियन में निकाल लेते हैं। इसमें यूनियन क्या होगा? x इज इक्वल टू ए बी सी डी, y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। तो x यूनियन y क्या आ जाएगा? x यूनियन y मीन्स कंबाइन कर दो x के एलिमेंट्स को और y के एलिमेंट्स को। a आ गया, b c d, उसके बाद f आ गया, b हम ले चुके हैं, d ले चुके हैं और g। दिस इज द यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस। इट मीन्स ओनली x, इट मीन्स ओनली y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a b c d आपको चार सेट्स गिवन है, उनके बेसिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। b यूनियन c यूनियन d आपको ब्रैकेट गिवन नहीं है, और वैसे भी आपका ये एसोसिएटिव है। आप कहीं से कोई भी यूनियन उठाओ और उसको किसी दूसरे के साथ यूनियन कर दो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो b यूनियन c यूनियन d, तो b क्या है हमारे पास? b इज 3 4 5 6। c क्या है? c इज 5 6 7 8 5 6 7 8। तो हमने क्या करना है बेटा? स्टेप बाय स्टेप करेंगे, b यूनियन c निकालेंगे। b यूनियन c क्या होगा? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 a के एलिमेंट्स, सॉरी b के एलिमेंट c के। 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, 6 ऑलरेडी ले चुके हैं, 7 8। अब हमने इसको यूनियन करना है किसके साथ? b के साथ। b यूनियन c यूनियन d, 3 4 5 6 7 8। बेटा डायरेक्ट आंसर मत लिखना, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना, तभी आपको आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। d क्या है? d है 7 8 9 10। d इज 7 8 9 10। अब एलिमेंट्स लिख लो, b के एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5 6 7 8। d के एलिमेंट्स क्या है? 7 ऑलरेडी आ चुका है, 8 आ चुका है, 9 10। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, b यूनियन c यूनियन d। नेक्स्ट निकाल लोगे, नेक्स्ट में क्या है आपका? a यूनियन b यूनियन d, सेम इसी तरह से करना है। इसको आप खुद से ट्राई करना, डू इट योर सेल्फ, इसको खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? ये है आपका फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट सिमिलर है आपका फर्स्ट पार्ट के, थर्ड में आपका इंटरसेक्शन भी यूज हुआ। तो सबसे पहले हमें ए और डी का यूनियन निकालना है। व्हाट इज ए? ए इज 1 2 3 4। नेक्स्ट डी इज 7 8 9 10। दोनों का यूनियन निकाल लो, ए यूनियन डी कितना आ गया? 1 2 3 4 7 8 9 10। नेक्स्ट केस में क्या करना है? बी और सी का यूनियन निकालना है। तो बी क्या आया हमारे पास? बी इज 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8। बी क्या है? 3 4 5 6 और सी क्या है? 5 6 7 8। तो यहां से बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों? दिस इज 3 4 5 6, 3 4 5 6, 5 6 ऑलरेडी प्रेजेंट, 7 8। अब हमने क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी हमने निकाला है कितना है? 1 2 3 4 7 8 9 10। इंटरसेक्शन लेना है 3 4 5 6 7 8।
अब कॉमन एलिमेंट देखो, वन नहीं है, थ्री है, थ्री थ्री, नेक्स्ट फोर फोर, फाइव भी नहीं है, सिक्स भी नहीं है, नेक्स्ट है आपका सेवन एट, नेक्स्ट है सेवन एट, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, थ्री फोर सेवन एट। क्लियर बच्चों? इन दोनों में जो आपको कॉमन दिखेगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब, इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन आएंगे वो आपका क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में देख लो जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वो आपका रिजल्ट होगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट ऑपरेशन है बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है, ठीक है, आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल और ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जैसे आपका डिफरेंस था ना बेटा, डिफरेंस आपके दो सेट में निकलता था, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट एक सेट का है, तो कैसे आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, मीन्स उसका नेगेटिव कैसे निकालोगे, तो हम उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ये, x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मीन्स अगर हम सिंपल देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए सेट को माइनस कर दो, ए सेट को माइनस कर दो किसमें से, यूनिवर्सल में से। अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर दो, तो बच्चों कौन सा रीजन बचेगा, ये वाला शेडेड रीजन जो होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। इतना क्लियर है? जैसे आप डिफरेंस करते थे, डिफरेंस के केस में क्या था, ए में से बी को माइनस किया या बी में से ए को माइनस किया, इस केस में हमने क्या करना है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल U है आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर, A है आपका थ्री फोर, तो आपने निकाला A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से A को माइनस कर दो, कॉमन एलिमेंट्स क्या है थ्री फोर, इनको निकाल दो, तो क्या बचेगा वन कॉमा टू कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। क्लियर? इस बार बेटा सीबीएसई ने क्या किया, आपका ये सिलेबस रिड्यूस किया है, तो जिसके अंदर आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बट इसको हम पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि ये आपका यूज होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से सेट को माइनस कर दो, तो वो आपका क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करेगा। क्लियर? नाउ दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चा देखो, एक सेट है मेरे पास ए और एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखना, अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले दूं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को इस तरह से देखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वापस से आपको यूनिवर्सल मिल रहा है, तो जब भी आप सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो वापस से आपको यूनियन वो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सेट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा, फाइव होगा। यहां देखो बच्चों, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये शेडेड रीजन उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ब्लैंक रीजन ए है सेट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या है, फाइव। यहां भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइव। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट है बेटा दिस, दिस लॉ इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, इफ वी आर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जब भी आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट रिवर्स, उल्टा, यूनियन का रिवर्स क्या, इंटरसेक्शन, तो यूनियन किसमें कन्वर्ट होगा आपका, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होगा आपका यूनियन में, और सेपरेट सेपरेट आपको सबका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों रिजल्ट अभी हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये तो हमने जस्टिफाई कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू भी और एग्जांपल के थ्रू। अब नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चा इधर देखो,
ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया, अब वापस से इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, 5, 6 इधर से निकाल दोगे, कॉमन है बचा क्या 3, 4, वापस आपको क्या मिलेगा सेट मिलेगा। मीन्स जब भी आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे, एक बार ये कॉम्प्लीमेंट हुआ फिर से ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद वो वापस से आपको सेम सेट मिलेगा। नेक्स्ट एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एम्प्टी। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन प्रूव दिस डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते ए यूनियन बी, दिस इज ए दिस इज बी, ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन बी में क्या आता है, ये सारा वाला पार्ट इनक्लोज होता, बट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा बच्चों, देखो ए यूनियन बी ये है, दिस इज ए यूनियन बी, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी मीन्स इस शेडेड रीजन को छोड़ के बाकी सारा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी विच इज लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बच्चों, दिस इज ए दिस इज बी, ए को छोड़कर बाकी जितना भी पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो भी आपका ब्लैंक वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए को, ये इंटायर ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसको छोड़कर बाकी पार्ट। अब उसके बाद अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट चेक करें, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए दिस इज बी, बी ए यूनिवर्सल यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल, ए सेट बी सेट, ए सेट बी सेट। अब बी क्या है, दिस होल सेट इज बी, इसको छोड़ दो, बाकी जो ये आपका शेडेड रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के केस में देखो बच्चों, जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट क्या है, यहां से आपने इसको हटा दिया, यहां से आपने इसको हटा दिया, तो कॉमन हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉमन, दिस पार्ट इज कॉमन, तो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब चेक करो लेफ्ट और राइट, ये जो दोनों है दीज आर इक्वल और नॉट, यस दीज आर इक्वल, तो यहां से हमें क्या इम्प्लाइज कर रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या है, सेम है, पार्ट ए इज इक्वल टू पार्ट बी है आपका, तो ये आपका प्रूफ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेक्स्ट आप खुद से बना सकते हो, ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू आप चेक कर सकते हो ये इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेल्टा बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, विच इज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये क्या है आपका ओनली ए और ये क्या है आपका ओनली बी। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, दिस इज ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर दो मीन्स ओनली ए, तो ये पार्ट क्या हो गया ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है, यूनियन करना है बी माइनस ए,
तो b माइनस ए कौन सा पार्ट होगा, ये a है, ये b है, ये आपका यूनिवर्सल है, तो ये आपका आ गया b माइनस ए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, कंबाइन करके मिलेगा दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका, दिस इज ए डेल्टा बी विच इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आपका बुक में नहीं है बच्चों, इसको नोट कर लेना, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए को यूनियन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, मीन्स ए और बी में से आपने क्या करना है, कॉमन पार्ट निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स इन विच देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। लास्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट्स। कंडीशन क्या होती है डिसजॉइंट सेट्स की, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। फॉर एग्जाम्पल ए है आपका 1 2 3, बी है ए बी सी, इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन, नो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये एक ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर बच्चों, दो सेट्स इन विच देयर इज नो कॉमन एलिमेंट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे आपको एम्प्टी मिलेगा, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स।